आप सबके साथ शेयर करने वाली ह्यूज कुर्ता सेट हॉल, जो कि यहाँ मेरे पास इतने सारे कुर्ता सेट है, इसमें कुछ कैजुअल है, कुछ पार्टी वेयर है, तो सारा मैं एक एक करके आपको दिखाने वाली हूँ। इसका लुक बुक भी शेयर करूँगी कि आप इसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं और स्टाइल करने के बाद कैसा लुक आ रहा है, तो सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो इसमें 8 कुर्ता सेट है। ये सारे कुर्ते मैंने लिया है बुलबुल ऐप से। तो अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट करके ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला कुर्ता ये है अनारकली कुर्ता है, तो इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये है अनारकली कुर्ता, जिसका नेक है राउंड नेक और 3/4 की इसकी स्लीव है। स्लीव पे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और ये गोटा पत्ती वाला लेस लगा है, जो कि ऑफ गोल्ड कलर की लेस है। और ये मिरर फ्रंट में मिरर वर्क हो रखा है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। और ये पूरा कुर्ता इस तरह से है, ये बंदेज प्रिंट के साथ ये कुर्ता है। और इसके जो नीचे इस तरह से लेस लगा हुआ है, यू कैन सी। और इसका जो घेरा है वो बहुत अच्छा है। और इसका जो कपड़ा है रेयॉन लिखा है, लेकिन मिक्स लग रहा है, ये कॉटन एंड रेयॉन मिक्स कपड़ा लग रहा है। तो ये देखने में, पहनने में लुक वाइज बहुत ही अच्छा कुर्ता लग रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और साथ में इसके इस तरह से साइड साइड में डोरी दे रखी है इस तरह से टेसल्स के साथ, जिसको आप बांध के अगर आप इसको फ्रंट में टाई करते हैं तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो आप इसको बांध के फिटिंग अच्छी कर सकते हैं, कि आपको थोड़ा सा लूज भी हो तो भी आप इसे बांध लेंगे तो इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इस कुर्ते की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मेरी जो हाइट है वो 5.3 है, तो मेरे इतनी लेंथ आ रही है। अगर आप मेरे से छोटे हैं तो आपको फ्लोर टच भी हो सकता है, अगर आप मेरे से लंबे हैं तो आपको थोड़ा सा और ऊँचे जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन ये कुर्ता देखने में बहुत ही अच्छा है, ब्लू कलर का कुर्ता है। तो ये है कुर्ता, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कंफर्टेबल कुर्ता है। और इसमें मेरा साइज़ मीडियम है, सारे कुर्ते में मेरा साइज़ मीडियम है, मेरे मीडियम ही आता है तो मैं मीडियम ही ऑर्डर करती हूँ। नेक्स्ट कुर्ता है स्ट्रेट कुर्ता, जो कि पीच कलर का है। और यू कैन सी फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, पेपर मिरर वर्क हो रखा है और साथ में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। इसकी स्लीव है, 3/4 स्लीव दे रखा है। और इसके जो कपड़ा है, फैब्रिक है, वो कॉटन फैब्रिक है। बैक साइड में ये कुर्ता पूरा प्लेन है और इस तरह से सिल्वर स्ट्रिप्स लगी हुई है। स्ट्रिप इसी कपड़े में ही है, कोई अलग से ये प्रिंट नहीं है। तो इस तरह पूरा कुर्ता है। और कुर्ते की सबसे अच्छी बात है कि नीचे लाइंस दे रखी है, क्योंकि ये काफ़ी जो कुर्ता है बहुत ज़्यादा थिन है, तो इसके नीचे लाइंस दे रखा है, जो कि कॉटन का है, काफ़ी ज़्यादा सही है। नीचे तक के पूरे लाइंस दे रखा है, यू कैन सी, एकदम लास्ट में ज़रा सा बचा हुआ है, तो पूरे लाइंस के साथ है ये कुर्ता। तो इसमें भी मेरा साइज़ मीडियम है, तो आप इसे किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पीच कलर का। और इसके साथ प्लाजो भी रिसीव हो रहा है, जो कि ऊपर ये इलास्टिक लगा हुआ है। और इसके बाद इसमें डोरी भी दे रखी है, इसके सिसे भी आप टाई कर सकती हैं। और पूरा इस तरह से स्ट्रेट ये प्लाजो है और नीचे इस तरह से बना हुआ है डिज़ाइन, इस तरह क्रॉस क्रॉस, जो कि गोटा पत्ती वाले जो गोटे होते हैं उससे ये लेस से बना हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे तो पर्सनली ये कुर्ता सेट भी अच्छा लगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, कॉटन फैब्रिक है, काफ़ी कंफर्टेबल है। जितने कुर्ता सेट मैं दिखा रही हूँ सारे अंडर 1000 के ही हैं, तो अंडर 1000 में काफ़ी अच्छे अच्छे कुर्तेज हैं, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो नेक्स्ट कुर्ता ये है अंगरखा कुर्ता, जो कि इसका कलर ही बहुत ही अच्छा है। ये यू कैन सी पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है, ये चुनरी वाली प्रिंट है, जो कि बंदेज प्रिंट बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी जो स्लीव है, 3/4 स्लीव्स है। और ये पूरा नीचे इस तरह से इसका घेरा भी काफ़ी अच्छा घेरा है, जिससे नीचे लेस लगा है, थ्रेड वाला लेस लगा, वाइट थ्रेड का लेस लगा हुआ है। और साइड में इस तरह से इसका ये फ्रंट में देख सकते हैं, इस तरह से फ्रंट में है ये, थोड़ा सा ऐसी इस तरह से डोरी दे रखी है। लेकिन ये डोरी यहाँ से अटैच है, तो आप इसको वैसे नहीं टाई कर सकते कि आप इसे टाइट कर लो बेल की तरह, ये टाइट नहीं होगा। ये मेरे थोड़ा सा लूज है, इसका जो साइज़ है मीडियम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सही भी कर सकती हैं। और ये पहनने के बाद भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप इसे पूजा के लिए पहन सकती हैं, किसी की छोटी मोटी पार्टी पे, फेस्टिवल पे पहन सकती हैं, तो बहुत ईजली इसको कैरी कर सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा।
तो ये पूरा अंगरखा कुर्ता जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी, तो अगर कोई क्वेरी होगी ये कुर्तों से रिलेटेड तो आप उस पर मैसेज करके क्वेरी कर सकती हैं। इस कुर्ते को आप पैंट के साथ, वाइट पैंट के साथ या वाइट प्लाजो के साथ बहुत इजीली कैरी कर सकती हैं और पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगेन एक अंगरखा अनारकली कुर्ता लिया है जो कि लाइट ग्रीन कलर का है। इसका कलर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, यू कैन सी आजकल ये कलर काफ़ी ट्रेंडी है। और इसका जो नेक है, इस तरह से नेक दे रखा है, इसमें ये लेस लगा हुआ है, थ्रेड वाला लेस है वाइट थ्रेड के साथ। इसके जो स्लीव है, थ्री फोर स्लीव है, इसमें भी वाइट लेस लगा हुआ है। तो इस तरह इसका फ्रंट है और इसके साइड में डोरी दे रखा है, डोरी के साथ ही बढ़िया सा टेसल्स लगे हुए हैं कैंसे। और ये पूरा नीचे जो इसका घेरा है, बहुत अच्छा घेरा है, और इसमें भी नीचे ये लेस, थ्रेड वाले लेस लगे हुए हैं। इसके जो घेरा है बहुत ही अच्छा वाला घेरा है, और बैक साइड में इस तरह पूरा प्लेन है। तो इस कपड़े में थोड़ा फूल फूल सा ऐसे बना हुआ है। ये कपड़ा देखने में कॉटन लग रहा है और पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे से थोड़ी फिटिंग कम आ रही थी, मेरे साइज़ इस पर मीडियम लिया है लेकिन यहाँ चेस्ट पे थोड़ी फिटिंग कम आ रही थी, बाकी बहुत अच्छा है। इसके साथ जो इसका बॉटम रिसीव हुआ है, ये प्लाजो पैंट्स कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो इस तरह का पैंट टाइप का है, जिग जैग बना हुआ है, प्रिंट है इस कपड़े में ही है, कोई प्रिंट नहीं अलग से है। तो और ऊपर इलास्टिक लगा हुआ है, तो ये भी अगेन बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके साथ जो दुपट्टा रिसीव हुआ है वो भी जिग जैग दुपट्टा है, इस तरह से पूरा अच्छा खासा लेंथ है दुपट्टे का, और ये कॉटन दुपट्टा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ये दुपट्टे के साथ पूरा सेट है जो कि बहुत ही सही है प्राइस वाइज, ये कुर्ता बहुत ही ज़्यादा सही है, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मैंने लिया एक सरारा, दो सरारा लिया है, इसी का दो कलर लिया है। तो ये रेड कलर का सरारा है जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, इसका कलर ही बहुत अच्छा है। आप न्यूली ब्राइड हैं तो आप इसे बहुत इजीली कैरी कर सकती हैं किसी भी ओकेजन के लिए। तो ये इस तरह का ये थ्री फोर स्लीव है इसके, और इसका रेड जो नेक है, राउंड नेक है, इसमें गोटा पत्ती वाला लेस लगा है, ऑफ गोल्ड वाला लेस है। तो ये ऊपर का है और नीचे मैं दिखाती हूँ, तो नीचे पूरा स्ट्रेट है और नीचे इस तरह से ये लेस लगे हुए हैं, पतले वाले लेस पूरा ऊपर से नीचे तक लगा हुआ, साइड में ये चौड़े वाले लेस लगे हैं। तो ये बंदेज प्रिंट है और इसका चुनरी वाला जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये पूरा कुर्ता है, और इसके साथ जो सरारा रिसीव हुआ है वो मैं दिखाती हूँ। सरारा में ऊपर के साइड ये इलास्टिक लगा हुआ है और नीचे इस तरह से ये सरारा बना हुआ, सरारा सरारा, तो इसमें भी वही काम हो रखा है। ये गोटा पत्ती वाला चौड़ा लेस लगा है, पतला लेस लगा है, ये बंदेज प्रिंट है, और अगेन ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये पूरा बंदेज प्रिंट में सरारा है जिसका फैब्रिक है रेयन, ये कॉटन नहीं है, रेयन फैब्रिक के साथ आता है। प्राइस वाइज ये सरारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आप किसी भी फेस्टिवल ओकेजन या पार्टी फंक्शन के लिए बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं, और पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो फर्स्ट सरारा ये है, सेकंड इसी में का मैंने दूसरा कलर भी बाय किया है जो कि येलो कलर का है, ये थोड़ा सा डल वाला येलो कलर है, इस तरह का येलो कलर है, और सेम चीज़ें वही है, राउंड नेक थ्री फोर स्लीव, मतलब बस कलर चेंज है, बाकी मैंने इसका एक रेड लिया है, ये एक येलो कलर लिया है। तो ये दूसरा वाला येलो कलर में है जो कि आपको जो भी कलर पसंद आए आप ले सकते हैं, इसमें एक दो कलर और शायद अवेलेबल थे तो मैंने दो कलर पिक किया है, तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये है दो सरारा जो कि मैंने बुलबुल ऐप से लिया है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ अगेन एक येलो कलर का कफ्तान जो कि येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और इसको इस तरह से दिखाती हूँ मैं। फ्रंट में ये बी नेक है, थ्रेड वाला लेस लगा हुआ है, और साइड में भी पूरे थ्रेड वाला वाइट लेस लगा हुआ है। तो ये पूरा इस तरह से आ रहा है, और ये काफ़ी ट्रेंडी भी होता है, आप कप्तान को कभी भी वेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और फ्रंट में ये
डोरी दे रखा है जिससे आप टाइट करके आप अपने कमर पे जो जो इसकी फिटिंग है वो अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह आप टाई कर सकते हैं इसको। फ्रंट में दे रखा है तो बैक साइड में पूरा ऐसे है, फ्रंट में ऐसे है। इसका प्रिंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो कि कपड़े के साथ है, तो मुझे तो ये पर्सनली कप्तान भी बहुत ही अच्छा लगा। प्राइस वाइज इस रेंज में अगर आपको ये कप्तान मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने और ऐप पे भी देखा था तो काफ़ी कॉस्टली दिख रहे हैं, लेकिन बुलबुल ऐप पे मैंने देखा बहुत ही कम रेंज में, तो मैंने जस्ट ये पिक कर लिया है। तो नेक्स्ट ये कप्तान है जो कि मैंने बुलबुल से लिया। हाँ, इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है, तो बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट मैंने कुर्ता लिया है जो कि अनारकली कुर्ता है, और ये नेवी ब्लू कलर में है, और इसके साथ ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये बटन्स लगे हुए हैं, 3-4 बटन्स लगे हैं, ये ओपन नहीं होते, बस सो के लिए लगा हुआ है। राउंड नेक है, इसका नेक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी जो स्लीव है 3/4 स्लीव है, और इसका जो फैब्रिक है कॉटन लायरिक्स है, कॉटन ही लग रहा है। तो इस कुर्ते में इस तरह से कॉपर कलर की पूरी लाइंस दे रखी है जो कि ऐसे ऊपर से आ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और नीचे ये लेस लगे हुए हैं जो कि गोटापत्ती वाले लेस है, पतले वाले इस तरह के लेस, डिज़ाइनर वाले लेस, पूरा लेस लगा हुआ नीचे। और इसका घेरा जो बहुत ही अच्छा घेरा आ रहा है, और पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसमें एक डोरी भी दी रखी है जिसे आप टाई कर से करके आप अपनी फिटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि हम कितना भी फिटिंग का मंगाते हैं कभी थोड़ा सा लूज हो गया तो इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती जब, लेकिन अगर हम कमर पर कोई डोरी या बेल्ट लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो इसके साथ भी डोरी दे रखी है जिसे आप टाई करेंगे तो इसकी फिटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये डोरी को आप टाई कर ली तो इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी लग जाएगी, और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी कैन सी अगेन बहुत ही ज़्यादा सुंदर एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, और बैक साइड में पूरा प्लेन है, नीचे पूरा वैसे ही है। तो ये पर्सनली मुझे ये वाला नारकली वाला कुर्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका घेरा, इतने प्राइस में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला कुर्ता है, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और ये सारी कुर्ताज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं प्राइस वाइज, क्योंकि ये अंडर 1000 के सारे हैं, और इतने कम प्राइस में आपको इतने अच्छे मटेरियल के साथ मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली जाके बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लिंक के थ्रू जाके ले सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और हाँ, आपको कौन सा कुर्ता सबसे अच्छा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय गाइस।